जय हिंद स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट जॉइंट, दैट इज टेबल जॉइंट. यू सी हियर, जॉइंट इज अ क्वेरी विच कंबाइन टू और मोर टेबल्स, विच मीन्स दैट अगर हमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स को जोड़ना है या फिर उन दोनों टेबल को जोड़कर उसमें से कोई आंसर निकालना है तो हम जॉइंट्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट, इन अ जॉइंट क्वेरी वी नीड टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ टेबल्स इन फ्रॉम क्लॉज. अब जो जो दो टेबल जोड़ी जाएंगी या दो से ज्यादा जो टेबल जोड़ी जाएंगी उसे हम लिखेंगे कहां पर, उसे हम लिखेंगे फ्रॉम क्लॉज, क्लॉज के बाद. देखिएगा यहां पर EMP1 और DEPT जैसे मैंने लिखा है. तो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल टेबल्स इन ऑर्डर टू रिट्रीव डेटा इज कॉल्ड जॉइनिंग. वो प्रोसेस जिसमें हम एक से ज्यादा टेबल को जोड़ते हैं कोई आंसर निकालने के लिए या किसी अपने काम के लिए, तो ऐसे ऑपरेशन को हम जॉइनिंग ऑफ टेबल्स बोलते हैं. टेबल ज्वाइन करने के लिए आप देख सकते हैं कि कॉमा सेपरेट आप लगा सकते हो, चाहो तो आप इधर जॉइंट्स भी लगा सकते हो. जरा देखते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग. यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि पहले मेरे पे डेटाबेसेस कौन कौन से, शो डेटा बेसिस, ठीक है. ये शो डेटाबेसेस से आपको दिख रहा होगा बहुत सारे डेटाबेस है. मैं किन में काम करूंगा वो मेनली आपके काम का है, वो है टेस्ट. मैं टेस्ट डेटाबेस में काम करूंगा तो यूज टेस्ट डेटाबेस चेंज. अब इसके अंदर टेबल्स देखते हैं, शो टेबल्स ABC इंग्लिश हिंदी स्टूडेंट स्टूडेंट वन सक्सेस बहुत सारी हैं. चलिए एक एक करके देखते हैं. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए, टेबल का नाम लिखा जाता है. देखिए रोल नंबर है, नाम है, ठीक है. हम देखते हैं बी में क्या है. अच्छा, जो रोल नंबर दिए थे उनके टोटल ऑफ परसेंटेज है, ठीक है. सी में देखते हैं, सी एकदम ही अलग है, A1 और 2 से कुछ मिलती जुलती नहीं. तो मैंने कहा मान लीजिए मुझे पहली और दूसरी टेबल को ज्वाइन करना है, मुझे जोड़ना है और टोटल रिजल्ट चाहिए. अब आप कहेंगे कि आप खुद देखिएगा फर्स्ट और सेकंड टेबल के अंदर ए और बी में हमें बात कर रहा हूं, जो रोल नंबर 1 2 उनके नाम है राम श्याम और उन्हीं के टोटल परसेंटेज दिए. इसका मतलब मुझे कोई यानी जो दो टेबल जोड़ रहा हूं काम की है. तो देखिए मैं कैसे जोड़ूंगा उन्हें, दो या तीन तरीके आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा. सिलेक्ट एस्टिक मतलब पूरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कॉमा बी. अगर मैं कॉमा भी लिख देता हूं तो भी मेरी टेबल्स जुड़ जाती हैं. अभी आप देखिएगा जैसे मैंने आपको पिछले क्रॉस जॉइन में बताया था कि देखिए कॉलम्स जुड़ गए, 5 कॉलम्स हो गए, 2 × 2 4 रिकॉर्ड्स आ गए. अभी रिकॉर्ड्स को देखिएगा 1 1 बिल्कुल सही, 2 1 समझ में नहीं आया, 1 2 समझ में नहीं आया, 2 2 समझ में आ रहा है. मतलब जब टेबल ज्वाइन हो रही है तो हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन भी मिल रही है. तो ये हमारे को देखना पड़ेगा कि हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैसे निकालें. अभी तो मैं सिर्फ आपको दो टेबल्स ज्वाइन करना सिखा रहा हूं. तो पहला तरीका है कैसे, कॉमा लगाकर, ठीक है. सेकेंड तरीके पे चलते हैं. सेकेंड तरीका आपका आता है, सॉरी सेकेंड तरीके में स्पेलिंग गलत है, ए ज्वाइन बी. देखिएगा सेम आंसर आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको क्रॉस ज्वाइन पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है. और तीसरा तरीका है, यहां पे मैं लिख दूं क्रॉस ज्वाइन, तो भी देखिएगा सेम आंसर आ रहा है. अब यहां पर आप कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा ये आंसर कैसे आ रहा है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज थोड़ा सा करा दे रहा हूं. और अगर आपको अच्छे से समझना है तो क्रॉस जॉइन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि
किस तरीके से दो टेबल ज्वाइन होती है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने देखा कि चाहे मैं, अगर आप देखेंगे, अगर मैं ज्वाइंट के अंदर मैं अगर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पहली टेबल का नाम, अब मैं चाहे यहाँ पे क्या लगा दूं, कॉमा लगा दूं, तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है ना। चाहे यहां पर मैंने आपको भी बताया था कॉमा के बाद कि मैं यहां पर चाहे तो लिख दूं ज्वाइन, तो भी बात हुई है। और चाहे मैं लिख दूं यहां पे क्रॉस ज्वाइन, अगर मैं कुछ भी कर देता हूं, चाहे कॉमा का यूज करूं, चाहे ज्वाइन का यूज करूं, चाहे क्रॉस ज्वाइन का यूज करूं, मेरा आंसर सेम आएगा। और वो आंसर क्या है हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब ये दो टेबलों को जोड़ा है, ये देखिएगा, आप जानते थे ए और बी जो काम की थी, क्या ए और सी जो एक दूसरे से बिल्कुल काम की नहीं थी, क्या उन्हें हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे किस तरीके से जोड़ रहे हैं, क्या आपका लॉजिक बिहाइंड है। आप कॉमा भी लगा देंगे तो भी ये जुड़ जाएगा, और अगर आप ज्वाइन लिख देंगे तो भी ये जुड़ जाएगा। तो ये वीडियो में हमने सिर्फ अभी इतना ही देखा है कि दो रिलेटेड या जो दो टेबल जो रिलेटेड नहीं है उन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं, या तो कॉमा लगा के फ्रॉम के बाद टेबल्स के नाम के बीच में, या टेबल्स के नाम के बीच में ज्वाइन लगाकर, या फिर क्रॉस ज्वाइन लगाकर हम इन्हें जोड़ सकते हैं। आगे वाली वीडियो में हम और भी पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।